सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर कौन होते हैं, इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए इंटरेस्टिंगली सेक्सोलॉजी नाम की कोई भी फील्ड ऐसे अप्रूव्ड नहीं है हमारे इंडिया में, ऐसी कोई भी ब्रांच नहीं है जिसको हम सेक्सोलॉजी बोलें और जो मेडिकली जो हमारी काउंसिल्स हैं उन्होंने अप्रूव कर रखा हो या फिर मान्यता दे रखी हो। तो सेक्सोलॉजिस्ट वर्ड लोगों के मन में बहुत कॉमन रहता है, प्रचलन रहता है इस शब्द का, लेकिन मेडिकल फील्ड में सेक्सोलॉजी नाम का कुछ नहीं है। तो आमतौर पर जो डॉक्टर्स सेक्सुअल डिसऑर्डर्स देखते हैं, मैं मॉडर्न मेडिसिन की एलोपैथी की बात कर रहा हूँ, जो MBBS MD डॉक्टर्स होते हैं, आप देखेंगे मैक्सिमम जो डॉक्टर्स जिन जो इस फील्ड में ट्रेंड हैं वो दो टाइप के डॉक्टर्स हैं, आपके साइकैट्रिस्ट और यूरोलॉजिस्ट। तो साइकैट्रिस्ट, जैसे मैं एक साइकैट्रिस्ट हूँ, हम लोग जब साइकैट्री की ट्रेनिंग करते हैं MD करते हैं तो हम तीन चीज़ें प्राइमरली पढ़ते हैं। एक तो हम मानसिक रोगों के बारे में पढ़ते हैं, एक हम डी एडिक्शन के बारे में पढ़ते हैं, नशा वाली जो चीज़ें हैं उनका ट्रीटमेंट, और तीसरा हम लोग सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं। इसलिए आप देखेंगे सभी साइकैट्रिस्ट अपने आप को सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का स्पेशलिस्ट भी बोलते हैं, या फिर वो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के स्पेशलिस्ट होते हैं, क्योंकि उन तीन चीज़ों में से एक सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरा जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं जिन्होंने MBBS किया है, MS किया है, फिर MCH कर रखा है, वो लोग भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को आमतौर पर ट्रीट करते हैं। उसके अलावा वो आपके यूरिन रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो होते हैं, पेशाब वाली जो समस्याएं होती हैं किडनी की या यूरिथ्रा की या फिर प्रोस्टेट की, उन चीज़ों को भी ट्रीट करते हैं। तो एलोपैथी में साइकेट्रिस्ट एंड यूरोलॉजिस्ट। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो कि हार्मोन्स के डॉक्टर्स होते हैं जिन्होंने MBBS MD किया है, DM किया है एंडोक्रिनोलॉजी में, वो लोग भी कुछ लोग सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की प्रैक्टिस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। और हालांकि बहुत ज़्यादा सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में हार्मोन्स इम्बेलेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है, काफ़ी सारे लोग बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो मैक्सिमम अगर आप स्पेशलिस्ट की बात करें तो साइकेट्रिस्ट यूरोलॉजिस्ट है और कुछ हद तक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हमारे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं। कई लोग जो सिंपल MBBS हैं, फिजिशियंस हैं, वो भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है एज़ फार एज़ दे आर ट्रेंड वेल। इसके अलावा जैसे दूसरी फील्ड्स हैं, आयुर्वेदा हो गई या होम्योपैथी के डॉक्टर्स हो गए, वो भी कई लोग सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं, और मेरे ख्याल से उसमें भी कोई गलत नहीं है। किसी भी फील्ड का ट्रीटमेंट हो, ट्रीटमेंट सही होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेक्सोलॉजी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सेक्सोलॉजिस्ट नाम का कोई डॉक्टर नहीं होता। कई बार लोग लिख देते हैं क्योंकि लोगों को सुनना यही है, लोगों को यही पता है, लोग इसी नाम से सर्च करते हैं, बट मेडिकली देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आई होप कुछ चीज़ें आप इसमें समझ पाए होंगे। और मिसॉल्स का प्लेटफॉर्म बनाने का पर्पस यही है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन लोगों को दी जा सके उतनी दी जाए। आप चाहें तो आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।